तो बंद करो सामने देख। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको मैंने चाय का सारी चीज़ को बता दिया, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्किश कॉफ़ी हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि वारिस भाई ने अभी दो ऑर्डर पकड़ के लेकर आए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स को तुर्किश बनाने के लिए बता दें। बहुत सारे लोग होते हैं कि तुर्किश बनाना को जाना चाहते हैं, तो हम पहले इसको बॉइल लेके चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये तुर्किश कॉफ़ी है, जैसे कि आप देखो, कैमरा मार दो भाई, इसको कैमरा लियो ना उसको। ये कैमरा के बाद आपने तुर्किश कॉफ़ी है, अब दो स्पून्स में डाल दिया। अब ये लेने के बाद अगर कस्टमर को शुगर उसको डालना चाहिए तो शुगर आप डालें, अगर नहीं चाहिए तो उसको शुगर नहीं डालें। तो ये बॉयल का जो पानी हो जाए तो होता है वो स्वीट पानी लें, तो स्वीट पानी हमने ले लिया। और इसको बॉयल करने के लिए हम सीधा लेके आ रहे हैं, ये आपने हटाया। हमारे जो तो दिखाएँ हम लोग कैसे बॉयल करते हैं, उनसे दिखाएँ कैसे हम लोग बॉयल करते हैं। ये स्वीट के पानी की वजह आप देखो, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तुर्किश कॉफ़ी बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जब तक ये ज़बरदस्त बॉयल नहीं होगा तब तक के लिए तुर्किश अच्छी नहीं रेडी होती है। तो चाय की तरफ भी घुमा दीजिए, नहीं 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 घुमाइए, वो परेशान हो जाएंगे, वो क्या दिखा रहे हैं हम लोग का, कोई मसला नहीं है। हमारी बस को थोड़ा बाहर का भी नज़ारा भी दिखाते हैं, बढ़िया वाला दिखा। हाँ तो ये रेडी हो गई है फैजल भाई, अभी थोड़ा और बाकी है, इसमें और थोड़ा कड़क हो जाएगा ना तो अच्छा आएगा, जितना इसमें स्पेशल होता है ना उतना अच्छा होता है। अभी थोड़ा बाकी है तो आप इनके दिखाएँ कि इस तरीके से रेडी होता है। अगर इसमें थोड़ा देखें, अभी थोड़ा बाकी है। अच्छा, हमारी तरफ ये तुर्किश कॉफ़ी के लिए ज़्यादा आते हैं ना, कि अगर तुर्किश कॉफ़ी जब अच्छा बनता है तो तभी वो कस्टमर को मांग होता है कि भाई तुर्किश कॉफ़ी दिए, तुर्किश कॉफ़ी दिए। तो जैसे देख रहे हैं आप, इसमें हल्का हल्का बबल आ रहा होगा, तो अब ये बबल आ गया तो इसका मतलब ये रेडी हो गया है। तो ऑलरेडी हम ये शुगर वाले में डाल देंगे, विदाउट शुगर वाले में। ये कस्टमर को दिखाएँ कि ये रेडी है, और इनको शुगर चाहिए था एक कस्टमर का, तो हम इसको कैमरा में। एक चिकन चिल्ली पराठा जी भाई, एक चिकन चिल्ली पराठा ले आओ। कौन है? तुर्किश कॉफी विदाउट शुगर है। विदाउट शुगर? हाँ वो विदाउट शुगर भाई। हाँ एक शुगर खफी, एक शुगर बराबर है, शुगर खफी शुगर बराबर। हाँ शुगर तो ये रहा शुगर खफी, थोड़ा उसमें शुगर डाल दें। एक और तुर्किश कॉफ़ी का ऑर्डर आएगा तो इसी सोच रहे हैं कि इसी में बना दें हम, क्या हम अपना वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये शुगर खफी है। एक्चुअली कस्टमर ज़्यादा होते हैं तुर्किश कॉफ़ी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग पीते रहते हैं तुर्किश कॉफ़ी। तो दो बनाए थे हमने, तो तीसरा ऑर्डर आ गया तो इसी के टाइम हमने उसको भी बना दिया। अभी थोड़ा ये बचा है, इसी के अंदर हम इसको मिक्स करके बना देंगे ताकि कस्टमर को ये भी सरफ हो जाए। चलिए ये भी रेडी हो गया। ऑमलेट पराठा और ये रेडी हो गया है, आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी दबाएं ताकि मेरा सब आने वाला वीडियो आप तक का जल्द से जल्द पहुँचता रहे। तो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें, खुदा हाफ़िज़।